अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चरम पर है। दोनों देशों के बीच एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। अमेरिका ने ट्रेड वॉर में भारत को भी लपेट लिया है। अमेरिका के लगातार अड़ियल रुख के बाद भारत ने तगड़ा पलटवार किया है। भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है। भारत इस फैसले को पिछले एक साल से टाल रहा था। इस बार भारत बादाम, अखरोट और दालों सहित 29 अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने जा रहा है। वित्त मंत्रालय टैरिफ बढ़ाने को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। भारत सरकार के इस फैसले से अमेरिकी निर्यातकों पर भारी असर पड़ेगा। भारत ने अखरोट पर इंपोर्ट ड्यूटी 30% से बढ़ाकर 120% कर दी है। वहीं छोले, चने और मसूर दाल पर टैरिफ 30% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। दालों पर टैरिफ बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। 29 अमेरिकी उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से भारत को सालाना 21,70,00,000 का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। भारत ने 29 अमेरिकी आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला पिछले साल मई में ही कर लिया था, लेकिन इस फैसले को लगातार टाला जा रहा था। भारत को उम्मीद थी कि बातचीत के बाद अमेरिका भारतीय आइटम्स पर टैरिफ कम कर देगा। इस बातचीत को हाल में तब झटका लगा जब अमेरिका ने अपने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी GSP प्रोग्राम के तहत भारतीय निर्यातकों को दिए जा रहे एक्सपोर्ट इंसेंटिव वापस ले लिए। इससे भारत से अमेरिका को होने वाले $5.5 अरब के इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। पिछले साल मार्च में भी अमेरिका ने भारत के कुछ स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला किया था। भारतीय स्टील प्रोडक्ट्स पर 25% कस्टम ड्यूटी लगा दी थी, जबकि एल्यूमिनियम आइटम्स पर 10% कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया था। भारतीय कंपनियां सालाना $24 करोड़ के स्टील और एल्यूमिनियम उत्पाद अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है। पानी सिर से ऊपर चला गया तो भारत ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए 29 अमेरिकी आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया। अब भारत के पलटवार के बाद ये ट्रेड वॉर और बढ़ने की आशंका है।